दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा निर्णय एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको विश्लेषण विधि के बारे में बताया, तो विश्लेषण विधि के बारे में बताते समय यह ध्यान से उतर गया था कि जो विश्लेषण विधि होती है या बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती है, उच्च कक्षाओं के लिए, छोटे कक्षाओं के लिए क्या होती है, अनुपयोगी होती है। तो जैसा कि आप जानते भी थे इस बारे में, लेकिन हमने कहा हो सकता है आपको जानकारी ना हो तो ये बात बता दिया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है, तो इसलिए आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो आ जाइए, हम आपको संश्लेषण विधि के बारे में बताएंगे। संश्लेषण विधि का मतलब होता है दोस्तों सिंथेसिस मेथड। जैसा कि विश्लेषण का मतलब तोड़ना होता है, उसी तरीके से संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। जस्ट विश्लेषण का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चल रहे थे दोस्तों, लेकिन संश्लेषण विधि में हम क्या करेंगे, आप उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे थे, तो इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, माने इसमें सारे तथ्य ज्ञात रहेंगे, अज्ञात निष्कर्ष आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा, ठीक है, रिजल्ट आपको लाना रहता है। तो इस विधि में बच्चे का विकास अधिक नहीं हो पाता है, चूँकि अध्यापक द्वारा इसमें सूत्र बता दिया जाता है और सूत्र बताने के बाद उसको उसी पे अप्लाई करा दिया जाता है और डायरेक्ट क्या करता है, उत्तर निकाल लेता है। इसलिए बच्चे को बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता इसमें, और जब बच्चे को बहुत अधिक नहीं मेहनत करना पड़ता या खुद नहीं मेहनत करना पड़ता या जो अध्यापक के ऊपर विधि डिपेंड करती है, तो उसमें बच्चे का जो मानसिक विकास होता है बहुत अच्छा, उस विधि से विकास नहीं हो पाता है। तो आइए यही सारी चीज़ें हम आपको एग्जाम्पल दे के देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कहा जाए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है, यदि शेष फल 20 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आता है, तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप 5 से किसी संख्या में भाग देते हैं, 5 दिया 15 से इसका बचा 2, इसे आपका क्या कहा जाता है, भाजक, इसे कहा जाता है भाज्य, इसे कहा जाता है भागफल, इसे कहा जाता है शेषफल, ठीक है। बचपन में आपने भाग दिया होगा तो भाजक का भागफल में गुणा कर दिया जाता है और शेषफल को जोड़ दिया जाता है, जो मिल जाता है वही भाज्य कहलाता है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें सारे तथ्य आपको जानकारी है, हर चीज़ दिया गया, भाजक भी है, भागफल भी है, शेषफल है, तो भाज्य आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट सूत्र पे जब रख के निकालेंगे तो आपके ज्ञान का विकास कहाँ से होगा। तो इसी तरीके से आइए देखिए, जैसे कहा गया कैसे हल करेंगे, आपको पता है कि यहाँ क्या होता है, भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल। शेषफल क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। शेषफल कितना दिया गया है, 20। जैसा कि देख लीजिए शेषफल क्या है, 20 हो, और भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तो यहाँ पर जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा भाई। 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 100। और आपने देखा जो ये भाजक है इस भागफल का 10 गुना है, तो अर्थात यहाँ 10 होगा तभी तो 10 का 10 गुना 10 दहमा 100 होगा। तो आपने देखा कि आपको भाजक पता है, भागफल पता है और शेषफल पता है, अब आपको क्या करना है, भागफल निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाजक इंटू भागफल 100 दहमा 1000, और 1000 में हम क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देते हैं, तो 1020 आपको क्या प्राप्त हो गया,
बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा आपको, इतने आसानी तरीके से आपका आ गया आंसर। तो इसमें क्या होता है, यह विधि जो होती है अध्यापक के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। चूँकि अध्यापक सूत्र बताता है, सूत्र बताने के बाद आप उस पर रख के आप उसको हल कर लेते हो, तो यह इसका दोष में आ जाएगा। लेकिन इसका सबसे पहले आप चलिए गुण देख लीजिए, इसका पहला गुण क्या है, यह विधि बहुत ज़्यादा स्थान नहीं घेरती, थोड़े ही छोटे स्थानों में क्या हो जाता है, हल हो जाता है। यह विधि बहुत अधिक स्थान नहीं घेरती है, ठीक है। इस विधि में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं लगता है, और आपको पता है कि हमेशा जो होता है इसमें जहाँ पर आपका विश्लेषण होगा वहीं पर क्या होगा, संश्लेषण होगा। जहाँ कोई चीज़ अलग अलग होगा, चूँकि संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, जहाँ विश्लेषण होता है वहीं पर संश्लेषण होता है। जहाँ विश्लेषण होगा दोस्तों वहीं पर क्या होगा, संश्लेषण होगा, ठीक है। और जो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं हम, जैसा कि लिखे ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों ये आपका गुण हो गया, आप इसके दोष के बारे में आप जान लीजिए। देखिए इसका दोष, दोष में यह क्या होता है, अध्यापक पर आधारित विधि है, यह सबसे बड़ा दोष है। यह विधि अध्यापक पर आधारित विधि है, मतलब अध्यापक आपको सूत्र बताएगा तब आप उसको हल करेंगे आप इसके प्रोसेस को, और सूत्र अध्यापक द्वारा बता दिया जाता है, आप अपने द्वारा खुद निकालते नहीं हो, इसलिए इसमें बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वह नहीं होता है। बच्चे में तर्क करने की शक्ति का विकास नहीं होता है, बच्चे में तर्क करने की शक्ति का विकास नहीं होता है, यह नीरस तथा निर्जीव विधि है, जैसा कि मैंने बता दिया है, क्योंकि यह अध्यापक पर आधारित विधि होती है, ठीक है। और यह विधि जो होता है बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होती है। तो आपने देखा कि संश्लेषण विधि क्या है, आपने जब पहले विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद आपने क्या किया, अलग अलग किया, और उसके बाद जब उसी को कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया, तो यही आपका क्या हो गया, संश्लेषण विधि, ठीक है। तो आज मैंने आपको इतना इस विधि में बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली विधि लेके मिलते हैं, ठीक है।